सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल से निघासन खीरी की खबर। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी व पूर्व चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने किया कई गांवों का दौरा। जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन से समाजवादी पार्टी के विधानसभा 138 निघासन से पूर्व प्रत्याशी व विधानसभा प्रभारी मोहम्मद कयूम ने बमहनपुर बोधिया गंगा बेहड़ धोबी पुरवा पतिया बल्लीपुर डकवा गदियाना आदि गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात कर समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को बताया तथा आगे की रणनीति के बारे में लोगों से बात की। समाजवादी पार्टी के सरकार बनने पर मुफ्त 300 यूनिट बिजली का आश्वासन दिया है। इस दौरान बल्लीपुर निवासी कैलाश कुमार की कुछ दिन पहले आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिनके परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया तथा मृतक के परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान इमामी शाह, सलीम शाह, अच्छे भाई लाले मास्टर, रितेश लोधी, बाबूराम, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद इरफान, विकास कुमार, बांकीलाल, डॉक्टर रफीक, रईस, पप्पू आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिकंदर अली, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी।